हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आज एक नया रेसिपी लेकर फिर आई हूँ आप लोगों के पास। देखिए, आज मैं आलू चना की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। यह सुबह के नाश्ता में पूरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसके लिए हमने लिया है आलू और चना। कढ़ाई को देखिए गर्म हो गया है, उस पर हम 4-5 चम्मच तेल डालते हैं। तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाए तो उस पर हम जीरा का फ़ौरन डाल देते हैं। जब वो थोड़ा जल जाए तो उसमें मिर्ची का फ़ौरन डालते हैं। उसके बाद प्याज देते हैं और उसको सुनहरा तक होने तक भूनते हैं। जब वह भुना जाए तो उस पर हम आलू जो काट करके रखे हैं वो आलू डाल करके भूनते हैं। हमने 2 बड़े बड़े आलू को छील करके छोटे छोटे पीस में काट लिए थे और उसे भून रहे हैं। और हमने 1 कप चना भी, खुला हुआ चना 1 कप लिए थे। देखिए मेरे आलू कुछ भुना गया है 2 मिनट तक भूनने के बाद। अब इस पर हम वो चना जो रखे हुए थे 1 कप, उसको हम मिला देते हैं। और इसको भी अच्छी तरह से कम आँच पर ही 5 मिनट तक भूनेंगे। देखिए कि 5 मिनट तक भूनने के बाद मेरा आलू का रंग इस तरह हो गया। अभी हम इस पर नमक हल्दी कुछ नहीं डाल रहे हैं। अब उसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और कढ़ाई गर्म करके फिर से हम उसमें थोड़ा तेल डालते हैं। तेल डाल करके उसमें फ़ौरन देते हैं। और हम एक पेस्ट बना करके रखे हैं जिसमें प्याज, लहसुन और टमाटर है। 1 बड़ा प्याज है, 7-8 कली लहसुन है और 1 टमाटर है। इसको हमें मिक्सी में पहले पीस के रखा था। वो सबको डाल करके भूनते हैं। जब वह अच्छी तरह से भुना जाए तो उस पर हम और मसाला भी डालेंगे, जैसे 1/2 चम्मच हल्दी। उसके बाद देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर में सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। वो डाल करके हम इसको फिर 1 मिनट भूंजेंगे और नमक देंगे अपने स्वाद के अनुसार। जिसको हल्का नमक पसंद वो हल्का नमक देंगे। और भुनाने के बाद इसमें हम गोल की जीरा और धनिया का पाउडर मिला देते हैं और एक तेज़पत्ता डाल देते हैं। मसाला भूनने में अगर जलने लगे या लटकने लगे तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल करके फिर से भूनते हैं। अब देखिए मेरा मसाला पूरा भुना गया है, गल गया सारा प्याज। अब इसमें जो हम आलू और चना को फ्राई करके रखे थे उसको डाल देंगे। डाल करके थोड़ा देर भूंजेंगे। उसमें देखिए सेंट के लिए थोड़ा हम कस्तूरी मेथी का पत्ता डाल देते हैं, उससे केक सेंट भी बहुत अच्छा आता है। और भुन जा गया थोड़ा देर तो हम उसको पानी डाल देते हैं। पानी डाल इतना देते हैं ताकि उसमें वह आलू अच्छी तरह से गल भी जाए और थोड़ा ग्रेवी भी रह जाए। देखिए हमने पानी डाल दी है। अब इसको जो है हम ढक देंगे और 5 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। मेरे 5 मिनट हो गया है। अब देखते हैं कि मेरा सब्ज़ी कितना बॉईल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको हम छोलने से काट करके 1-2 पीस आलू को देखेंगे कि वह बॉईल हुआ है कि नहीं। देखिए मेरा आलू जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत अच्छी तरह से हो चुका है और देखने में भी इसका बहुत कलर आता है। ये जो है हम रेसिपी बना रहे हैं, बहुत ही इसको बनाने में मेहनत लगता है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और उसको रेस्ट लेने के लिए 5 मिनट तक छोड़ देते हैं। अब देखिए मेरा जो है ये आलू चना का सब्जी बन करके तैयार है। देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम पूड़ी छानेंगे और पूड़ी के साथ ये आलू और चना का सब्जी खाएंगे। ये इतना टेस्ट लगेगा कि आप होटल का खाना भूल जाइएगा और घर पर ही बना करके खाइएगा। एक बार आप अवश्य इसका ट्राई कीजिए, इसको
घर पर बनाकर और देखिए कि ये कैसा लगता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। धन्यवाद।